हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो मैंने काफ़ी दिन से बना के रखी हुई है लेकिन डाल नहीं पाई। तो आज थोड़ा मुझे लगा कि जो है डाल देनी चाहिए। पहले भी मैं एक दिन अपलोड करने लगी थी। और छोटी सी वीडियो है, कोई ब्लॉग नहीं है, तो एक छोटी सी शॉपिंग की अनपैकिंग है। तो मीशो से पहली बार मैंने कोई शॉपिंग की है, तो उसका एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। तो काफ़ी खूबसूरत सी बैंगल्स मैंने देखी थी। वैसे मुझे बैंगल्स जो है कलेक्ट करने का ही शौक है। मुझे पहनना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब मैं पहन नहीं पाती हूँ। तो मुझे ऐसे खाली हाथ ही अच्छे लगते हैं, या फिर ब्रेसलेट या एक कोई छोटा मोटा कंगन, बस वही मैं ऐसे डेली वेयर में पहन पाती हूँ। तो कहीं आउटडोर बाहर जाना हो तो भी मैं कुछ ना कुछ पहनती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बेंगल्स हैं कितनी प्यारी हैं, और इनकी जो फिनिशिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रेड और क्रीम कलर में है, तो जैसे डेली वेयर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। जैसे मेरे पास और भी काफ़ी तरह की इस तरह की बेंगल्स हैं, लेकिन उनके जो इस तरह के गोल्डन वर्क किया होता है वो थोड़ा उखड़ सा जाता है और फिर कपड़ों में फंसता रहता है। लेकिन इस पे इन्होंने एक लेमिनेशन टाइप की हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने काफ़ी दिन ये बेंगल्स पहन के रखी थी, लेकिन थोड़ा टाइट थी मुझे। वैसे मुझे 2-6 साइज़ ही आता है, तो पता नहीं अभी या मोटी हो गई हूँ या क्या, हाथ में ये आ ही नहीं रही थी। और फिर मैंने थोड़ी सी हाथों पे ये पॉली बैग लगा के पहननी चाही, लेकिन फिर भी नहीं आ रही थी। तो लास्ट में फिर मैंने थोड़ा सा हाथों में लोशन लगाया, तो उससे थोड़ी स्किन जो है थोड़ी स्लिपरी सी हो जाती है, तो उस वजह से चिकनाहट आ जाती है। तो वो मैंने बैंगल्स को भी लगाई और हाथों को भी, तो फिर मैं इनको पहन पाई। तो बैंगल्स बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो जैसे हमारे मदर्स होते हैं, और जैसे मतलब कि जो मैरिड लेडीज़ होती हैं या गर्ल्स होती हैं, उनके लिए ऐसे ये डेली वेयर में काफ़ी यूज़फुल हैं, जो घर का काम भी करती हैं। तो क्योंकि हम दूसरी जो फैंसी चूड़ियाँ पहनते हैं वो ख़राब हो जाती हैं, कांच की टूट जाती हैं, या फिर कलर फेड हो जाता है। लेकिन ये लेमिनेट की हुई हैं, तो मेरे हिसाब से इसका कलर तो जाएगा ही नहीं। तो मैंने लगभग 10-12 दिन इनको पहना था, लेकिन अभी मैंने उतार दिया है। तो मैंने बस एक बैंगल पहनी हुई है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। तो वैसे ये जब मैंने पहनी थी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप भी देख सकते हैं काफ़ी प्यारा इनका कलर कॉम्बिनेशन है, और जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो अब बात करते हैं कि मैंने इसको कितने में लिया है। तो मैंने इसको जैसे शुरू में बताया कि मीशो से ये मेरी पहली शॉपिंग है, और ये चूड़ियाँ हैं, तो मैंने इनको 170 में लिया है। ये दो तरह के रेट थे वहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन एडवांस में पेमेंट कर देते हो तो जैसे 30-40 शायद 50 इतने का कुछ डिस्काउंट मिला है मुझे, तो इसी वजह से मुझे 170 की पड़ी है। और भी काफ़ी सुंदर सुंदर उस पर डिज़ाइंस थे मैंने जो है देखे, बहुत मतलब अच्छे थे। कम रेंज में भी थोड़े, ज़्यादा रेंज में भी काफ़ी प्यारे प्यारे चूड़े जैसे चलते हैं आजकल, तो इस तरह से कुछ उसके ऊपर डिज़ाइंस थे। मैंने सुना ही था कि ये मीशो जो है थोड़ी मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, मेरा खुद का भी मानना था, लेकिन मैं गलत थी। अभी मैं यही कहूँगी कि मीशो से भी चीज़ जो है क्वालिटी की मिलती है, थोड़ा सा आपको देखना होता है रिव्यूज़ वगैरह। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।